Hey guys, welcome back again to the another new episode of Pokemon Dark Rising. So guys, सिर्फ अभी ना सबसे पहले Pokemon Center में चलते हैं क्योंकि अभी मेरी Pokemon की हालत ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. तो यहाँ पे guys अपने सारे Pokemon भी हील हो चुके हैं. एंड नाउ guys अभी सबसे पहले अभी ना मुझे शॉपिंग करनी है, तो सबसे पहले शॉपिंग करते हैं. एंड guys अभी मैं आपको लास्ट एपिसोड की बात करूँ तो लास्ट एपिसोड के बारे में मुझे भी कुछ खास याद नहीं आपने लास्ट एपिसोड में क्या करा था, बिकॉज कोई अपना जो लास्ट एपिसोड है उसे आए कुछ एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है. एंड कहीं से मैं सोच रहा हूँ अभी डार्क राइजिंग के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि डार्क राइजिंग जो है वो आपकी भी फेवरेट सीरीज है एंड मेरी भी फेवरेट सीरीज है, तो क्यों ना इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए. बट फिलहाल कहीं से यहाँ पर थोड़ी सी सुपर रेपल भी परचेस करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कहीं से अभी ना मेरे को मनी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पैसे. सो इस बंदे से बात करते हैं जो कि एक बड़ा छिछुरा आदमी है, इसके बातों से तो मुझे यही लग रहा था. एंड इस टकलू अंकल से भी बात करते हैं. मैं तुझसे किस लिए बात कर रहा हूँ, बस मुझे मूड कर रहा है. एंड क्या यार तू चाह, तुझसे मैं बात ही नहीं करूँगा यार, मैं कट्टी तुझसे बात ही नहीं करूँगा मैं कट्टी. बट फिलहाल तो कैसे यहाँ पे जो बंदा है उसने मुझे कैल्शियम दे दिया जो कि बहुत ज़्यादा सही है, थैंक यू फॉर योर कैल्शियम बड़ी. एंड यहाँ पे जो डोर है वो शायद से लॉक है, अपन इस घर के अंदर पे अभी फिलहाल तो नहीं जा सकते, बट यहाँ पे एक और हाउस है तो इस लड़की से बात करते हैं. एंड जो लड़की है वो बोलती है थोड़ा सा नहीं यार, नहीं 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 मुझे अभी अपना कोई पोकेमॉन ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मैं जो पोकेमॉन को ट्रेड करता हूँ मैं उनको यूज़ करता हूँ यार. अभी तक ना किसी भी गेम में मैंने कोई भी पोकेमॉन को ट्रेड नहीं करा है, क्योंकि जो पोकेमॉन को अपन ट्रेड करते हैं ना, मतलब कि जो पोकेमॉन को अपन कैच करते हैं वो जो पोकेमॉन है वो अपने दिल में एक अलग जगह बना लेता है यार. सही में मैं उन पोकेमॉन को कभी ट्रेड करता नहीं हूँ. बट फिलहाल तो गाइस इस बंदे से बात करते हैं एक बार. एंड ऑल राइट, खैर कोई नहीं, ये जो बंदा है गाइस मुझे पता नहीं क्या खास बोल रहा था, मैं कुछ इस बंदे के ऊपर ध्यान दिया नहीं है. बट खैर कोई नहीं, एंड यहाँ पे कोई नहीं है. ओके रिसेप्शन कोई नहीं है यहाँ पे. ये कौन सी रूम है यार, यहाँ पे तीन टाइप के रूम है. पहला है गाइस टेस्टिंग रूम, सेकेंड रूम कौन सा है बीच वाला जो है आर एंड डी रूम, एंड जो लास्ट रूम है वो है मीटिंग रूम. तो सबसे पहले चलते हैं मीटिंग रूम में एंड देखते हैं यहाँ पे मीटिंग कौन सी चालू है. आप मीटिंग क्या कर रहे हो यार, आप ये मीटिंग कर रहे हो मतलब कि आप पोकेमॉन ट्रेड करना चाहते हो यार. सही मैम, बट खैर कोई नहीं. एंड इस बंदे से बात करते हैं जो कि मुझे एम टू मून के बारे में बात कर रहा है. एंड अभी अपने पास भी शायद से एक फॉसिल पोकेमॉन है ना, एंड आई थिंक सो है गाइस अपने पास भी एक फॉसिल पोकेमॉन है. बट अभी मुझे बैग में देखना पड़ेगा अपने पास कौन सा फॉसिल पोकेमॉन है, क्योंकि इस गेम के अंदर पे अपन को कोई अलग फॉसिल मिला था, पता नहीं वो कौन सा है. एंड ओके नहीं नहीं नहीं, आपकी ना मूव मैं तो सीखना ही नहीं चाहता. एंड आप लोग देख लो यार, मेरे कोई पोकेमॉन भी आपकी जो मूव है वो कोई सीखना नहीं चाहेगा. एंड नॉट अवेलेबल, या मेरे पोकेमॉन में भी एटीट्यूड है, जहाँ तेरे को मैं एटीट्यूड मारता हूँ. एंड यहाँ पे एक मिनट इस बंदे से भी बात कर लेते हैं. ईवी के बारे में बात कर रहा है. ओके सेवन फॉर्म, आई थिंक सो सेवन या फिर एट फॉर्म, पता नहीं गाइस सेवन फॉर्म आई थिंक सो. एंड ये एम्बर स्टिक, ओके पता नहीं क्या है, बट ईवी के सेवन फॉर्म होते हैं ना, आई थिंक सो सेवन फॉर्म ही होते ईवी के. एंड अभी एक लास्ट रूम बचा है तो चलो इसको भी अपन एक्सप्लोर कर लेते हैं, देखते हैं इस रूम के अंदर पे क्या है. इस बंदे से बात करते हैं जो कि मुझे गाइस अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये जो बंदा है वो मेरे पोकेमॉन यानी कि फॉसिल पोकेमॉन को बाहर निकालने वाला है. एंड गाइस आई एम राइट, तो गाइस अपने पास एक कवर फॉसिल, आई थिंक सो इसके अंदर से एक टर्टल बाहर निकलेगा. एंड उस टर्टल का नाम होता है टिकटोगा. ओ ओके, इसका नाम बड़ा अजीब सा है, इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं करने वाला, इसका नाम मैं बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं करूँगा. एंड ये बंदा जब मेरे पास आ जाएगा तो शायद से मैं इस पोकेमॉन का नाम भी चेंज कर दूंगा. बट फिलहाल तो गाइस अभी इस बंदे से मैं फिर से बात करनी चाह रहा था, बट खैर कोई नहीं, ये जो बंदा आप उनको बोलेगा बाद में आना, अभी तो मैं बिजी हूँ. तो अभी एक काम कर लेते हैं, इस बंदे का जो पूरा एरिया है उसको अपन छोटे तरीके से एक्सप्लोर कर लेते हैं. एंड कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है भी नहीं तो यहाँ से निकल ही लेते हैं. एंड गाइस अभी देखते हैं अपन को आगे क्या करना है, अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला मुझे आज के एपिसोड में क्या करना है. तो इस लड़की से एक बार मैं बात करूँ, एक मिनट यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता क्या. Before you challenge Charina, I advise you to check the SSNA. It seems ridiculous. Oh! तो गाइस अभी ना अपन को SSNA जो बड़ी शिप होती है ना उसके अंदर पे जाना है. बट सबसे पहले अपन को ना गाइस अपने लिए एक टिकट का जुगाड़ करना पड़ेगा. एंड एक मिनट, टिकट जो है वो अपन को हैश ने दे दी थी ना, आई थिंक सो. हाँ हैश ने मुझे टिकट दे दी थी, मुझे इतना कुछ खास याद नहीं आ रहा. बट इस बंदे से एक बार मैं बात कर लेता हूँ जो कि मुझे ये जो पोकेमॉन फैन क्लब है उसका ये मुझे कुछ चेयरमैन टाइप वगैरह कुछ लग रहा है, क्योंकि इस बंदे ने भी सूट कोट पहनी हुई है. सच में मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट खैर कोई नहीं. एंड मैं आज वर्ड में इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ यार, एक मिनट. ओके सो गाइस अभी इस बंदे से अपन बात करते हैं. एंड ये जो बंदा है देखते हैं मुझे क्या देने वाला है, कब से बात तो बहुत लंबी चौड़ी कर रहा है.
एंड गाइस यार यहाँ पे इस बंदे ने मुझे एक बाइक वाउचर दिया, वो दैट्स ग्रेट। एंड अभी मुझे ये पता नहीं जो साइकिलिंग स्टोर है वो कहाँ पे है, एक बार गाइस उसे भी अपन चेक करते हैं। बट सबसे पहले गाइस यार अभी ना मुझे SSNS शिप के अंदर पे चलना है, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन चालू है। एंड यहाँ पे सीन क्या चालू है, बहुत ज़्यादा ही तगड़ा सीन चालू है, सच्ची में पूछो मत, बहुत ज़्यादा ही हार्ड सीन चालू है। सो बॉयस यहाँ पे ना मतलब कि अभी जो प्रोफेसर वी है उसके साथ मेरी बैटल हो चुकी है। एंड गाइस जो प्रोफेसर वी है उसे बोल के ना एक तरीके से मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। मतलब कि गाइस यहाँ पे जो बंदा है वो मुझे ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो तुझे शिप के अंदर पे जाना है। एंड शिप के अंदर जाने के लिए वो मुझे अभी एक रूट बताने वाला है। बट उससे पहले गाइस अभी मैं आप सबको बता दूँ यहाँ पे इंसिडेंट क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे इंसिडेंट ये हुआ है कि ये जो शिप है वो एक तरीके से हाईजैक हो चुकी है। मतलब कि गाइस इस शिप के अंदर पे ना कोई बंदा जा सकता है और ना ही कोई बंदा बाहर आ सकता है। एक तरीके से ना गाइस ये जो शिप है उसके ऊपर एक स्पेल यूज करी गई है, जैसे होता नहीं काला जादू, हाँ वैसे कुछ यूज करा गया है। एंड गाइस यहाँ पे जो वी था वो मुझे ये बोल रहा था कि अभी ना जब अपन इस शिप के अंदर पे जाएंगे तो अपन को ना सबसे पहले दो बंदों को डिफीट करना पड़ेगा, उसके बाद में गाइस अपन ये जो स्पेल है उसको तोड़ सकते हैं। बट फिलहाल तो गाइस यार यहाँ पे जो फ्लोरना है वो भी मुझे यही बोल रहा था। एंड गाइस यार हाँ जो प्रोफेसर वी था, प्रोफेसर तो नहीं बट जो वी था उसने मुझे ना गाइस एक रूट बता दिया था। मतलब कि उसने बोला था इस पोर्टल से अपन को डालना इस शिप के अंदर पे, वरना तो अपन शिप के अंदर पे आ ही नहीं सकते थे। बट फिलहाल तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं शिप के अंदर पे, तो अपने पोकेमोन को जरा सा हील कर लेते हैं। एंड जो वी था गाइस वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, उसने मेरी हालत डाउन कर दी थी। बट फिलहाल गाइस अभी ना सबसे पहले जो डाउन आर्ट है यानी कि जो बैक एड है उसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद में गाइस अपन आगे बढ़ते हैं। बट फिलहाल गाइस यार यहाँ पे अभी ना ये दोनों के साथ भी मैंने बैटल कर लिया, तो फटाफट से गाइस अभी सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर को भी चेक करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ थी एंड यहाँ पे गाइस मैं हाइपर क्वेश्चन को मिस कर देता था, अच्छा हुआ गाइस मेरे दिमाग में आ गया। बट फिलहाल गाइस फिर से अपने पोकेमोन को हील करते हैं क्योंकि जो टेरोगस के आदमी हैं उन्होंने गाइस मेरी हालत पूरी डाउन कर रखी थी। बट खैर कोई नहीं, तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है तो उससे भी अपन बात कर लेते हैं। तो अभी ना मुझे इस बंदे से बात करनी थी क्योंकि ये जो बंदा है वही मुझे ऊपर जाने दे सकता है। एंड फिलहाल तो गाइस यहाँ पे जो बंदा है वो मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ किडनैपिंग हुई है एंड ऊपर जाने के लिए तुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि तू कैपेबल है कि नहीं। मतलब कि गाइस यहाँ पे जो बंदा है वो मुझे बोल रहा है कि ये जो घर है, ये जो सेकेंड वाला डोर है उसके अंदर पे बस दो या फिर तीन किडनैपर हैं, उनके साथ बैटल कर प्रूफ कर, उसके बाद में तू ऊपर जा क्योंकि ऊपर ना और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किडनैपर है। एंड वैसे तो गाइस अपन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अभी के लेवल में। एंड यहाँ पे गाइस जो ट्रेनर भी है, ये जो डेरोगस के आदमी है ना उनको मैं एक बार डिफीट कर लेता हूँ, उसके बाद में देखते सीन क्या है। तो गाइस यहाँ पे जो दोनों बंदो थे वरने दोनों को डिफीट करा। एंड यहाँ पे गाइस जो लड़की थी वो नीचे ही रही, तो इससे भी अपन फटाफट से बात कर लेते हैं। एंड यार शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तो मेरा काम ही है। एंड यहाँ पे एक प्राइस पड़ा है एंड इसके अंदर पे मुझे TM31 यानी कि ब्रेक ब्रिक जो कि बहुत ज़्यादा ही तगड़ी मूव है वो मुझे मिल चुकी है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे अपने पोकेमोन को ना जरा सा मैं हील कर लेता हूँ। मगर फिलहाल गाइस आप लोग ना यहाँ पे जो नज़ारा है वो देखो, एक मिनट अभी ना मैं यहाँ पे आता हूँ। एंड गाइस देखो यार क्या ही लुक है, मतलब कि क्या ही चुम्मेदार लुक है ना, मतलब कि एकदम ही मज़ा आ गया। बट फिलहाल गाइस अभी ना अपन को अपने काम के ऊपर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो अभी अपन इस बंदे से बात कर लेते हैं। यार शाबाशी मत दे यार, ये तो मेरा काम है, अभी बता मुझे कहाँ पे चलना है। एंड अभी ना गाइस जो बंदा है वो मुझे बोल रहा है इसको फॉलो करना है, तो चलो इसको फॉलो करते हैं, देखते क्या सीन है। एंड कम ओके, तो इसको अभी अपन को अभी फिर से फॉलो ही करना है। एंड ये कौन बंदी है यार, ओके क्विकली माई सन इज आउट ऑफ देयर किडनैप बाय बॉस, डोंट वरी मैम, वेल सेव हिम, ओ थैंक यू वेरी मच। एंड फाइनली लेट्स मी रिस्टोर योर पोकेमोन, ओके मैंने अभी अपने पोकेमोन को रिस्टोर किया था, बट थैंक यू वेरी मच, ऑल राइट जस्ट बी केयरफुल, ओके आई एम रेडी। सो गाइस जो ऑफिसर है वो नीचे जा चुका है, नीचे का सीन संभाल लें। एंड अपन आ चुके हैं अभी ऊपर। एंड ये बंदा कौन है, वो गाइस आप सब लोग जानते होंगे, इस बंदे से अपनी पुरानी दुश्मनी है। मतलब कि अपना जब गेम है वो चालू हुआ था तब ये जो बंदा था उसके पास ही वो लेजेंडरी पोकेमोन था थंडरस, जिसने गाइस मेरी हालत पूरी डाउन कर दी। एंड गाइस उस टाइम तक अपने जो पोकेमोन थे वो कुछ ज़्यादा खास ट्रेन नहीं थे, बट आज मैंने अपने पोकेमोन को बहुत ज़्यादा ट्रेन करा है। तो गाइस अभी ये जो थंडरस है उसको मैं फेंड करने वाला हूँ। देख भाई चारिज़ार्ड अपन को अपना बदला लेना है,
तो सबसे पहले ना इस बंदे के ऊपर पे ड्रैगन पल्स कर एंड इस बंदे को फेंट कर दे। इस बंदे से अपनी पुरानी दुश्मनी है, इसने अपन से उस बार बड़ी रूडली बात करी थी। एंड यहाँ पे गाइस अपना जो चारे चार है उसने भी गाइस बड़े रूडली इसको जवाब दिया, क्योंकि इसकी हेल्थ देख सकते हो कितनी ज्यादा गई है। बस यहाँ पे एक और थंडर पंच एंड यहाँ पे जो टेंडुरस है वो डाउन हो चुका है सुपर इफेक्टिव मूव के साथ में। वाह यार मजा आ गया, अपना जो चैलेंजर है वो ओपी है। एंड गाइस मुझे कमेंट में चाहिए चैलेंजर ओपी। एंड फिलहाल तो गाइस यहाँ पे जो ड्रैक है वो इतने इजीली फिंट हुआ पूछो मत यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा इजी। इतनी ज़्यादा हाइप बन रही थी कि ये जो बंदा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, कुछ ऐसा कर सकता है ना वैसा कर सकता है। एंड एक मिनट व्हाट है यार, नो गाइस अभी इस बंदे से मैंने डिफीट करा एंड इस बंदे अपने पोकेमोन को रिवाइव करके फिर से 6 पोकेमोन लेके आ गया। That was wrong, guys. इस बंदे के पास तो अभी सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन होंगे ना, तो मेरी जो हालत है वो पूरी डाउन होने वाली है यार। अभी मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. वैसे तो गाइस अब ये जो बंदा है उसको मैं डिफीट कर चुका हूँ। एंड गाइस सच में जो ट्रैक था उसने मुझे क्या ही सरप्राइज दिया है, मतलब कि गाइस एक बंदा है जिससे आप बैटल करते हो उसको अपने पूरी तरीके से डिफीट करा, वो भी लेजेंडरी पोकेमोन। उसके बाद में गाइस वो जो बंदा है वो अपने पोकेमोन को रिवाइव करता है, अपनी सारी टीम को लेके आता है, मतलब कि 6 के 6 पोकेमोन के साथ अपने से बैटल करता है। क्या ही हालत अपनी ख़राब हो गई थी। मगर खैर जो भी होगा इस यहाँ पे जो ड्रैक है वो पेंट हो चुका है, जो कि अपने लिए सही बात हो चुकी है। एंड वो जो बच्चा था वो अपने मॉम के पास जा चुका है। बट फिलहाल यहाँ पे हैश एंड टोरू क्या कर रहे हैं, एंड आई थिंक सो गाइस हैश एंड टोरू ने अपना काम कर दिया, मतलब कि यहाँ पे जितने भी टीम एक्वा के बंदे थे सबको पकड़ लिया जिन्होंने गाइस यहाँ पे गलत काम करा था। बट फिलहाल गाइस यहाँ पे जो टोरू है मैं मुझसे एक बात करना चाहता है, बट उससे पहले वो मुझे बोल रहा है कि वो एंड जो हैश है वो सब मिलके जो टीम एक्वा के बंदे है उसको संभाल लेगा। बट मुझे ना गाइस यहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन यानी कि ब्लीजर ऑपरेशन करके एक रूम है उसके अंदर पे अपन को चलना है। एंड वहाँ पे ना गाइस टीम एक्वा या फिर डेरोगस की एक मैन हेड है उसके साथ अपन को फाइट करनी पड़ेगी। एंड फाइट करने के लिए गाइस अपने पोकेमोन अभी फिलहाल तो हील नहीं है, तो अब ये काम करता हूँ मैं भाग भाग के चलता हूँ नीचे एंड अपने जो पोकेमोन है उनको हील करके आपको यहीं पे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी ना मैंने अपने सारे पोकेमोन को हील कर लिया है एंड अभी अपन आ चुका है ब्लेजर ऑपरेशन के रूम में। बट फिलहाल गाइस यहाँ पे सिडनी खड़ी है एंड उसके साथ में ये कौन बंदा है, इस बंदे को मैं जानता नहीं, बंदा है कि बंदी, आई थिंक से बंदी है जिसका नाम है कायो। एंड ये काम करते गाइस डेरोगस के लिए एंड ये चाहती है यहाँ पे इस कुछ तो करे। बट फिलहाल यहाँ पे जो सिडनी है उसने मना कर दिया, तो कायो अपने साथ सीधा आके बैटल करना चाहेगी। एंड आई एम रेडी, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट अपने पोकेमोन को हील करा है, तो आई एम रेडी गाइस इस बंदी के साथ बैटल करने के लिए। एंड अभी भी मुझे ना ये जो बंदी है उसका जो माजरा है कुछ पता नहीं चला, ये यहाँ पे क्या कर रही थी। एंड वैसे भी जो टीम एक्वा के बंदे हैं वो सबके सब ना कैप्चर हो चुके हैं, अपने हैश ने सबको पकड़ लिया एंड अपने टोरू को भी कैसे भूल सकते हैं, हैश एंड टोरू ने मिलकर अच्छा काम करा। एंड गाइस आई थिंक सो इस बंदी के सारे पोकेमोन डिफीट हो चुके हैं। एंड डेरोगस की लड़की तो बड़ी आसानी से फेंट हो गई थी, इससे मुकाबला जो था वो लाइट ने मुझे बड़ा टक्कर दिया था, मतलब कि उसने एक टाइप से ना मुझे सरप्राइज कर दिया था। मगर फिलहाल तो गाइस जो बंदी है उसको मैंने डिफीट करा एंड इसके जो भी इरादे थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के साथ साथ गाइस जो शिप थी उसके ऊपर जो स्पेल था वो भी टूट चुका है। एंड अभी सिडनी से बात करते हैं। स्टैच्यू, या इट्स मी, यू सॉ एवरीथिंग राइट? Yeah, here lets me help you. Okay, so thank you very much for healing my Pokemon. Thanks for helping me out. And something deep inside me and Aukon, I felt the coolest shivers and I never felt before.
Afterwards, I slowly felt training and I saw two dragons. Kaio only won because I become a weak all of the sudden. Okay, बहाने मत मार, तू फेंट हो गई, मैं जानता हूँ. मगर खैर कोई नहीं. एंड यहाँ पे गाइस जो बंदी थी उसने मुझे HM02 यानी कि सर्फ नहीं फ्लाई, ओके सॉरी मैं भूल गया, माय मिस्टेक, फ्लाई गाइस इस बंदी ने मुझे TGM. एंड गाइस अभी ना बस अपन को मिस्टिक जिम के अंदर पे जाना है एंड अपना जो थर्ड मैच है उसको जीत के आना है. बट फिलहाल गाइस अभी जो सिडनी है उसके साथ मैं बात करके बोर हो चुका हूँ, तो डायरेक्टली गाइस अभी ना मैं आपको शिप के यहाँ पे ना बस अभी अपना एक काम बचा है, वो है गाइस अपना जो फॉसल है उसके अंदर से पोकेमोन बाहर निकला कि नहीं, एक बार इस साइंटिस्ट से बात कर लेते हैं. एंड इसके लैब में तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ एंड अभी ना इस बंदे से बात करते हैं. तो गाइस यार यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है अपना जो पोकेमोन है वो रिवाइव हो चुका है. एंड गाइस अपना जो पोकेमोन है यानी कि टट योगा वो अब उनको मिल चुका है. इसका नाम बड़ा अजीब है बट गाइस ये जो पोकेमोन है वो बहुत ज़्यादा ओपी है. एंड नाउ गाइस यहाँ पे अपना जो पोकेमोन है वो अब उनको मिल चुका है, तो ये रहा पीसी. तो गाइस अभी चलते पीसी के अंदर पे एंड देखते हैं अपना जो पोकेमोन है वो कितने लेवल का है एंड इसके पास कौन सी मूव है. बट फिलहाल गाइस ये जो बंदा है वो है लेवल 5 का. एंड इस बंदे की समरी चेक करते हैं एंड देखते हैं इस बंदे के पास कौन सी मूव है. इसकी टाइपिंग की बात करते तो वो है वाटर एंड रॉक टाइप. यार सच्ची में बहुत ज्यादा ओपी पोकेमोन. उसी के साथ साथ इस बंदे के पास मूव भी बहुत ज्यादा सही है, मतलब कि लेवल 5 का बंदा है एंड इसके पास इतने मूव है, ऑसम भी है. तो गाइस अभी ना इस बंदे को पीसी के अंदर पे रखते हैं. इस बंदे को ना अपन नेक्स्ट एपिसोड में शायद से मैं इसको ट्रेन करूंगा एंड अपने पार्टी में ऐड कर लूंगा. बट फिलहाल तो उसको पीसी में रखते हैं एंड अपना जो एपिसोड है उसे अपन यही पे एंड करते हैं. तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में जो सेरिना है उसके साथ अपन बैटल करेंगे, उस बंदे को अपन डिफीट करेंगे एंड उसी के साथ साथ अपना जो फोर्थ बैच है उसे भी अपन कलेक्ट कर लेंगे. बट फिलहाल तो कैसे बस आज के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक मारें, चैनल पर नो सब्सक्राइब करें. बाय बाय. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many